मतलब आप लोग अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते, आप लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं? 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी हमें तो। और फिर कोई रात में रहेगा? रहेगा। तीन शिफ्ट में ड्यूटी चलती है हमें? नहीं नहीं, तो जैसे होता है ना 5 बजे के बाद बोलते हैं कोई नहीं रहता है, निकाल देते हैं सबको। आप लोग रहते हो लेकिन? अच्छा, 5 बजे बाद में निकालने का मतलब यही है कि अगर किसी को रोग रात को किधर के इधर उधर घुस जाए। हाँ, नहीं तो एक जो कहानी जो है ना कि नहीं 5 बजे के बाद यहाँ भूत निकलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो रानी रत्नावती के रूम में चला गया था। अब उसके रानी कौन, वो बंदा दिखी थी? हाँ, बंदा। वो रानी रत्नावती का रूम कहाँ पे है? कहाँ पे है रूम? वो महल में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:10 और मैं निकल रहा हूँ एक बहुत ही ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे अमूमन लोग जाना नहीं चाहते, और वो है एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, दैट इज़ भानगढ़। और अभी लोग पहाड़ों पे घूम रहे हैं और सब जगह घूम रहे हो, और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए। और उसके लिए मैं जो है लोकेशन जो मैंने चूज़ किया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ भानगढ़। और इसकी एक दूरी देख लेते हैं दिल्ली से कि कितनी दूरी पे है और कितने टाइम में मैं पहुँचूँगा। तो हमें जाना है भानगढ़, और आप देखो किलोमीटर दिखा रहा है 226, 4 घंटे 51 मिनट, और ये टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं। और ये लग रहा है ग्लव्स, ये स्टार्ट हो गया, 4 घंटे 51 मिनट का टाइम दे रहा है। तो फ्रेंड्स, भानगढ़ का ये सफ़र शुरू हो चुका है, ट्रिप 2 मैंने कर दिया है 0, और टाइम हो रहा है 4:15, सुबह के 4:15 बज रहे हैं। और इस रास्ते में मैं आपको क्या बाइक माइलेज दे रही है इसकी भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल चलते हैं हनुमान जी का नाम लेके भानगढ़। और फ्रेंड्स, जो आप नज़ारे देख रहे हैं ना, ये अरावली हिल्स के हैं, पूरा का पूरा रेंज जो है यहाँ पे, माउंटेन रेंज जो है ये आपको अरावली हिल्स का है। और आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी आप कहीं भी लोकेशन पे जाएं, सेलेक्ट करना कोशिश करिए गूगल पे, वो करें आप कार, क्योंकि बाइक से आपको बहुत ही अजीब अजीब रास्तों से जाना पड़ेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। और आप देख सकते हैं कितना आइसोलेटेड लग रहा है ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे, और फिर भी एक सुकून है, शांति है। और इसी रास्ते के बीच से हम निकलेंगे भानगढ़ के लिए। और जब शुरुआत ऐसी है तो भानगढ़ का रास्ता कैसा होगा ये देखते हैं आगे। और फ्रेंड्स, ये देखो आप कितना खतरनाक और वीरान सा लग रहा है ये पूरा। मेरे लेफ्ट साइड में देखो, ये जो खंडहर सा लग रहा है ना, ये आपको एक खौफ पैदा करेगा। और ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये पॉजिटिव वाइब्स कहीं से भी नहीं देता है आपको। ये देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है देखने से। और जब आप अकेले सफर कर रहे हो तो, और बीच दोपहर, सीरियसली क्या फील दे रहा है आपको, आप देखो आप।
और ये देखो आप, लगता है कोई पुराना किला, उसका कोई गेट द्वार है, ये बहुत पुराना सा लग रहा है। ये ऊपर तक जा रही है वहाँ पे ये सड़क। और फ्रेंड्स फाइनली हम एंटर कर चुके हैं भानगढ़ के रेंज में। ये जो आप पूरा का पूरा सामने रेंज देख रहे हो माउंटेन का, ये पूरा का पूरा एरिया भानगढ़ के उसमें आता है। तो चलिए, सामने पार्किंग दिख रही है और अब आगे बात करते हैं। वही खुला भैया, लोग जा रहे हैं कि अकेले ही जाना पड़ेगा मुझे? ऐसा नहीं भूत पकड़ ले वहीं पे? हाँ है ना लोग, तब ठीक है। कितना हुआ? तो फ्रेंड 10 रुपए का आपने देखा टिकट लगा, 10 रुपए का। और उन्होंने पहले ही पूछ लिया यार कि कोई और है या नहीं, अकेला पता लगे मैं जा रहा हूँ और यहीं पर जो है सब कुछ हो रहा है, इसलिए जो है पार्किंग यहीं पे है। क्या अंदर में क्या है फिर? वो बाइक लगा सकते हैं ना अंदर में? हेलो फ्रेंड्स, और हम आ चुके हैं अब आपको भानगढ़ फोर्ट पे। और भानगढ़ का ये फोर्ट जो है, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, ये पूरा का पूरा इलाका, यही है एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जिसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। और अगर इसकी एंट्री देखोगे आप तो सामने यहाँ पे आपको ये एंट्री दिख जाएगी। यहाँ से टिकट काउंटर यहाँ पे है जो कि 25 रुपये का लगेगा अगर आप इंडियन है तो। और इसके अलावा 150 या 200 कुछ है अगर आप आउटसाइड इंडिया है तो। इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया देन डेफिनेटली यू हैव टू पे मोर। सो अभी आप देख सकते हैं सामने ये पूरा का पूरा इलाका सूना सूना सा दिख रहा है बिल्कुल, और यही है एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर मुझे फ़िलहाल 2 छोटे छोटे बच्चे दिख गए हैं और इन्होंने मुझे बोला है कि हम आपको भानगढ़ फोर्ट दिखाएंगे, तो मैं इनके साथ घूमूंगा और देखूंगा क्या है भानगढ़ में, क्या है भानगढ़ में। भूत है? भूत है, रहता है। कब देखा है भूत? रात को। रात को देखा है? तुमने देखा है कि नहीं? नहीं, वो सुनते हैं। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये सब बहुत ही पुराने होंगे पत्थर। ये सब क्यों बेटा, ये सब पुराने पत्थर है, बहुत पहले के। तुमने भूत भूत तो नहीं देखा है ना कभी? सही बोलो, ऐसे नहीं देखे हैं। अच्छा, लेकिन डर लगता है यहाँ पे? हाँ। ओके। यहाँ पे डूंगर के इलाका है, ये शुरू होता है और ये इधर चूड़ियों को बजा रहा है। आ गया ये, आ गया, हम बताते हैं। ये जो है पूरा पहले बाजार लगता था से, 500-600 साल पहले। नहीं, यहाँ पे चूड़ियों का बाजार, चूड़ियों का बाजार था ये। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये पहले भानगढ़ में चूड़ियों का बाजार बोलते हैं लगता था यहाँ पे। ये देखो आप, अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा है तो ये देखो आप, ये चूड़ियों का बाजार यहाँ पे लगता था। सब कुछ खंडहर हो चुका है, पूरा खंडहर हो चुका है ये। और वो ऊपर क्या है, वो मंदिर कैसा है? मंदिर, वो मंदिर उसकी तो बात कर रहे हैं, क्या है उसमें? छतरी है वो, काले जादूगर। अच्छा, वही काले जादूगर की छतरी है, वहीं से काला जादू होता था। यार मेरे को गूज बम्स आ गए काला जादू का सुन के, सीरियसली। और ये ओवरऑल चूड़ियों का बाजार है, ये कितना पुराना होगा? ये 8-10 साल। अबे 8-10 साल कैसे? ये जो है कम से कम ये 1500 समथिंग का था, तो 500-600 साल पुराना हो चुका है ये। और ये जो है पूरा आप देख सकते हैं चूड़ियों का बाजार खंडहर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वैसे भूतिया फीलिंग जो है फ्रेंड्स आने लगी है थोड़ी थोड़ी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे मिले हैं 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। एक है हमारा ये फ्रेंड, क्या नाम है? आशीष सेन। आशीष सेन है ये। आशीष वैसे यहाँ रहता है लेकिन मुझे बोला कि चलो मैं आपको घुमा दूंगा थोड़ा, मैंने कहा कि ओके फाइन। और ये एक छोटा बच्चा है, ये आप देखो जरा, दिखाना बेटा शक्ल अपनी, क्या नाम है?
जितेंद्र को जो है भूत की आवाज रात में सुनाई देती है और ये पक्का सुनाई देती है। एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे जितेंद्र को भूत की आवाज सुनाई देती है और ये जंप कर जाते हैं थोड़ा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ओवरऑल रिमेन जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है कि भानगढ़ प्राचीन स्थल भानगढ़ की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवान दास ने ऐसे ऐसे किया था 1556 से 1605 ईस्वी के दरबार में दीवान पे कार्यरत थे। और यहाँ पे शाही महल छतरियाँ जो ऊपर में आपको छतरी दिख रही है वो प्लस गोपीनाथ सोमेश्वर केशव मंगला देवी मंदिर है जो नागर शैली में बने हुए हैं ये सब चीज़ें हैं। और इंग्लिश में बात करें तो दिस एंशियंट टाउनशिप वॉज फाउंडेड इन द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी एडी बाई राजा भगवंत दास द देन रूलर ऑफ अंबर एंड लेटर ऑन इट वॉज मेड कैपिटल ऑफ माधो सिंह ब्रदर ऑफ राजा मान सिंह। सो दिस वॉज बिल्ड 1556 टू 1605 एंड दैट राजा माधो सिंह वॉज दीवान इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर के कोर्ट में। अच्छा ये वो है ये मुगल एम्परर के कोर्ट में दीवान थे ये जो कि अकबर का जो यहाँ पे जो टाइम ये दिया हुआ है कब से कब तक था 1556 से 1605 तक। आगे बढ़ते हैं ये पूरा का पूरा भूतिया इलाका आपको मैं दिखाता हूँ तो आप आगे बढ़ते हैं। वो रानी रत्नावती के रूम में चला गया था अब उसके रानी रत्न कौन वो बंदा दिखी थी हाँ बंदा वो रानी रत्नावती का रूम कहाँ पे है कहाँ पे है रूम वो महल में है। अच्छा तो दिख रही थी उसको भूत दिख गई थी हाँ, फिर वो रानी रत्नावती ने बोला कि यहाँ पर क्यों आए हो। अच्छा उसने बोला हम तो भूतों को देखने आए हैं सफेद कपड़ों में दिख गई थी रानी रत्नावती हाँ, अभी दिखेगी और दो सैनिक मिले थे उसको यहाँ पे। ओ भाई साहब यार तुम डरा रहे हो यार डरने की बात नहीं है ना तब चलो बिंदास नहीं कोई दिक्कत नहीं एक सांप और मिल सकता क्या है सांप निकलता है वहाँ पे रहता है सांप। अरे कोई नहीं यार जंगल है तो सांप तो निकलेगा। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ मेरे तो यहाँ लोग रहा करते थे पहले और बोलते हैं कि जो नर्तकी थी या जो भी थी उसके श्राप से या फिर साधु के श्राप से ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण ये पूरा का पूरा ये एक बसा बसाया नगर तबाह हो गया था और इसीलिए इसे कहा जाता है एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। तो हम आ चुके हैं और कवर कर रहे हैं वैसे ये पूरा का पूरा सीन बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लेकिन हॉन्टेड तो है लग रहा है मतलब थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ हॉन्टेड क्योंकि यार मन में फीलिंग हो जाती है ना आपने सोच लिया कि हॉन्टेड प्लेस है एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं तो इसलिए ये आपको इस तरह की फीलिंग आएगी। और फ्रेंड्स ये गणेश जी का मंदिर जो है ये भी बहुत ही पुराना है 500 साल पुराना ये भी है और मोर देखो आप कितना शानदार मोर है ज़बरदस्त ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो काफ़ी सारे मोर हैं यहाँ पे ये देखो कितना खूबसूरत देखा आपने तो ये ओवरऑल है उसमें चला गया मंदिर में घर में तो वो कुछ नहीं है। फ्रेंड्स ये कुआं देख सकते हैं आप जो कि बहुत पुराना है बहुत ज़्यादा पुराना है ये भी 500 साल पुराना है और आप पूरा जो ओवरऑल यहाँ पे फील है ना वो देखने की कोशिश करो आप। इधर आओ इधर इधर क्या इधर इधर से चलेंगे। अच्छा एक मिनट इधर पहले चढ़ के देख लूँ है क्या ये वो भी इधर से मगर उधर से नज़ारा सुंदर लग रहा है। ये देखो ये भी नगर था जो कि तहस नहस हो चुका है पूरी गाड़ी मिलेगा ना काय तो करेगा। अच्छा मतलब आप लोग अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते आप लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी हमें तो और फिर कोई रात में रहेगा 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है हमें नहीं नहीं तो जैसे होता है ना 5 बजे के बाद बोलते हैं कोई नहीं रहता है नहीं निकाल देते हैं सबको आप लोग रहते हो लेकिन अच्छा 5 बजे बाद में निकालने का मतलब यही है कि अगर किसी को रोग रात को किधर के इधर उधर घुस जाए हाँ नहीं तो एक जो कहानी जो है ना कि नहीं 5 बजे के बाद यहाँ भूत निकलते हैं लोग ऐसा कुछ नहीं है ना मतलब है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं हाँ। और फ्रेंड्स ये जो मंदिर है वैसे तो ये आपका भानगढ़ का ये मंदिर है लेकिन यहाँ शूटिंग भी हो रखी है मूवी करण अर्जुन की
और जैसा कि ये बच्चे मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हो रखी है। और मंदिर देखो आप कैसा हो रखा है, ये मंदिर भी उतना ही पुराना है, लेकिन आप देखो क्या हाल हो रखा है मंदिर का। उस समय की हमारी ये सब कलाकृतियाँ हैं। और एक चारों तरफ का एक आप नज़ारा देखो, खंडहर, सिर्फ खंडहर आपको दिखाई देगा, पूरा खंडहर, फुल खंडहर ही खंडहर आपको दिखेगा अंदर। और फ्रेंड्स यहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, कौन से भगवान की थी? शिव परिवार शिव जी और उनके मतलब शिव परिवार की मूर्ति थी। तो पूरी की पूरी मूर्ति चोरी हो चुकी है और बोल रहे हैं कि सोने की मूर्ति थी वो, तो ये पूरी चोरी हो चुकी है। और अब यहाँ पे कुछ नहीं है, भगवान बस ऐसे ही आप हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ है नहीं। और ये जब बना होगा नगर तो आप सोच सकते हो कि कैसा बना होगा ओवरऑल, अगर आप यहाँ से मंदिर और ये चारों तरफ का नज़ारा, और फिर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे बसावा यानी लोगों का रहा होगा, लोग रहते होंगे यहाँ पे। सामने भी मैंने आपको दिखाया कॉलोनी, यहाँ भी आप सामने देख सकते हो कि सब खंडहर हो चुका है। और एक छतरी बहुत ऊपर में एक छतरी टाइप की दिख रही है, जो कि यहाँ पे आपका एक जो सन्यासी या जो साधु बाबा था उसका था, उसी के श्राप से सुनते हैं कि ये पूरा का पूरा नगर जो है तहस नहस हो गया। फ्रेंड्स ये है महल रानी रत्नावती का, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, ये देखो आप। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से बसाया हुआ है इस पूरे पूरे, मैं बोलूँगा टाउन, एक सिटी, एक तरह से एक शहर बसा हुआ था यहाँ पे। वो महल हो गया, यहाँ मंदिर हो गया, नीचे आसपास में यहाँ पूरे लोग रहते थे, और ये बाहर जाने का रास्ता इधर अरावली हिल्स चारों तरफ से, बीच में मंदिर, वहाँ एक पुजारी की छतरी जहाँ बोलते हैं, जिसके श्राप से ये पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। और आप देखो कैसा हो रखा है पूरा का पूरा। खंडहर ही खंडहर बचे हुए हैं बस। और फ्रेंड्स एकदम पथरीले रास्ते से होते हुए ये जंप मारते हुए भूत की खोज में चलते हुए, और ये ऐसे रास्तों से आप देख सकते हो निकलते हुए हम पहुंचेंगे रानी पद्मावती के महल में, रत्नावती के महल में। और रानी रत्नावती के महल के पास हम आ चुके हैं। गूगल पे बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएगी इससे रिलेटेड, एक कि हाँ 5 बजे बाद कोई नहीं रहता है तो ऐसा नहीं है। अभी जो यहाँ पे सिक्योरिटीज वाले हैं उन्होंने बोला कि आम पब्लिक को निकाल दिया जाता है कि वो रात में क्या करेंगे यहाँ रह के, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भूत भूत है, और आप आराम से घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एंड ये महल है रानी रत्नावती का, ये रास्ता है जाने का। और इसका पूरा मेंटेनेंस जो है ना, ये रत्नावती ये जितना भी है पूरा भानगढ़ पैलेस का, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें है। ये क्या चीज़ है जी? जैसे इसमें सामान रखते थे कबाड़े का, जैसे टूटी फूटी चीज़ें। ये बच्चा पता नहीं उस समय कबाड़े कहाँ से आते होंगे यार, जो सामान रख देंगे राजा लोग कुछ और रखते होंगे। नहीं जैसे सोने के सिक्के गेट पे रखेंगे, क्या मूर्ख बना रहा। वैसे जैसे अरे वैसे नहीं है, वो गार्ड है ना इनके भी, सैनिकों के रहने की जगह थी। अच्छा मतलब तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम बता रहे हो बस, है ना। तुम्हारे दादाजी बता के गए पूरा। अच्छा तो फ्रेंड्स ये बच्चा जो है ना ये पूरा बता रहा है कि इसके दादाजी ने पूरी कहानी इसको बता के गए हुए हैं, और ये यही कहानी मुझे बता रहा है। अब कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन जो रानी राजा लोग होंगे मेहनत ज़रूर करते होंगे इतनी ऊपर,
चढ़ाई में ऊपर नीचे करने में, क्योंकि ऊंचाई तो है वैसे ज्यादा नहीं लेकिन है। और फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं रानी रत्नावती के महल के ऊपर, और यहाँ से रानी रत्नावती को इस तरह से इनका शहर का नज़ारा दिखता होगा आज से, भाई उतर जा बेटा, 550 साल पहले, खतरनाक बिल्कुल लुक है यहाँ पे अब तो फिलहाल, उस समय रौनक रही होगी लेकिन अभी बिल्कुल सही नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स पूरा देखो आप चारों तरफ नजारा, और ये पूरा का पूरा फिलहाल वीरान हो चुका है, और ये है मेन गेट महल का। अब यहाँ पे चलेंगे अपन। अब ये देखो ये बहुत पुराना है, ये वही जो मैंने बताया आपको 500 साल से पहले का ही, और यहाँ पे ठंडा काफ़ी है लेकिन बदबू भी है बहुत ज़्यादा चमगादड़ की। और फ्रेंड्स मैं अभी हूँ भानगढ़ एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे। ये पूरा का पूरा जो सराउंडिंग्स जो भी आप देखेंगे ना, ये पूरा इसको डिक्लेयर किया हुआ है एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये यहाँ की रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती, उनका महल था ये रत्नावती का। और बिलीव मी एक पता नहीं इतना बोलने पे गूज बम जरूर, मतलब मैं ऐसा कुछ वो नहीं बोल रहा लेकिन आ रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया हूँ। थोड़ा लगता है ऐसे आपको इस जगह पे आने पे ना, थोड़ा मेंटली आपको ऐसा कुछ फील आता है, और आई थिंक वही फील मुझे आ रहा है। लेकिन चारों तरफ का जो एरिया है, लोकेशन है, ये बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, और इसको एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलता है 5 बजे के बाद यहाँ पर रहना अलाउड नहीं है, लेकिन 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 इसमें मैंने बात करी अभी इनसे और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गूगल पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। 5 बजे के बाद हम इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को 5 बजे का रुकेंगे कहाँ, यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे परमिशन नहीं है कि आप रात में रुके। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो है यहाँ पर जब भी आए आपको फीलिंग ऐसी कुछ, मुझे मैं जब आ रहा था तो मुझे लग रही थी लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, फीलिंग ऐसी कोई भी ऐसी नहीं लगती है कि हाँ कुछ गलत लगे। लेकिन हाँ ये ओवरऑल स्टोरी ये है कि ये रानी रत्नावती का ये फिलहाल ये महल है, ये उनका पूरा का पूरा कोर्टयार्ड रहा होगा जहाँ पे वो उनका दरबार ये सब लगता होगा, ये पूरा का पूरा एरिया, सामने उनका नगर होगा, ये पूरा एरिया जो अब तहस नहस हो चुका है, जिसके लिए बोलते हैं कि मेरे पीछे ठीक छतरी एक बनी हुई है जो कि किसी सन्यासी या किसी साधु बाबा की थी, और उनके श्राप से ये पूरा का पूरा महल तहस नहस हो गया। लेकिन फिर भी लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, फेमस हो रखा है ये गूगल पे एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स भानगढ़ से मैं निकल चुका हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं भानगढ़ है। टोटल जर्नी जो मुझे पड़ी है वो 241 किलोमीटर की पड़ी है, और वन टाइम आने की जगह तो है लेकिन भूत नहीं दिखते हैं आपको। अगर भूत को आप एक्सक्लूड कर दें तो एक नॉर्मल जो फोर्ट होते हैं उस टाइप से है, तो मर्जी आपकी, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ खास ऐसा नहीं लगा मुझे, नॉर्मल जो फोर्ट होते हैं वो है, बस इसका एक बहुत ज़्यादा उसमें है कि हाँ एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, उसके चक्कर में अगर आप चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं, बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी कुछ खास है जो कि आपको देखने लायक हो। तो फिलहाल अब तक का इतना ही सफ़र, 241 किलोमीटर चला दिया मैंने, बाइक की रिफ्यूलिंग और ये सब देख के मेरा जो ओवरऑल माइलेज आया 35 अप्रॉक्स, और
वन टाइम अगर आप चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं। इसी के साथ हो सकता है आपको ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगी हो। मिलते हैं इसी तरह के किसी और एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।